सिर्फ लाइक कंटेंट नहीं करता. सो दिस वाज द रीजन जब मैंने फुकराइ हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए. ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है. सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, हेलो दोस्तों, नमस्कार, श्री श्रीकाल, केम छो. मेरा नाम है मोटो खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूँ हमारे ब्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना. एनीवेज, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आलियान राइडर से रिलेटेड होने वाली है. तो कल उनकी साइड से एक वीडियो आउट हुआ जहां पे जानू स्टंट्स उससे मिलने आए थे एंड उन्होंने ये डिसाइड करा कि जब तक आलियान राइडर ठीक नहीं हो जाते तब तक वो लद्दाख राइड नहीं करेंगे एंड इन फ्यूचर जब भी वो लद्दाख राइड करेंगे आलियान राइडर के साथ में ही करेंगे. सो गाइस यहाँ पे चेक करो हमारा हाल पूछने के लिए कौन आए हुए हैं. अभी अभी मैं और जानू प्लान कर रहे थे कि कल हमें जो है लद्दाख राइड के लिए निकलना है. कोई लद्दाख राइड नहीं होगी जब तक ये ठीक नहीं होगा. जिस दिन ठीक होगा ना उस दिन लद्दाख राइड में जाइए, इकट्ठे जाएंगे ना. मैं उससे पहले जाऊंगा ना उसके बाद. जिस दिन ठीक हुआ तब जाएंगे. वैसे हमारा प्लान था लद्दाख राइड पे जाने का अभी थोड़े दिनों में, बट जब ये ठीक होगा तब जाएंगे. वरना आप भी उसको भाई लिखो कमेंट में घर बैठो रेस्ट कर. चलो फिर मिलते हैं आपसे बाइक पे, स्टंट मारेंगे. एक तोड़ाइए दूसरी भी तोड़ाएंगे. नेक्स्ट हम बात करने वाले जानू स्टंट्स के बारे में. तो उनका भी एक व्लॉग आउट हुआ है कल जिसमें उन्होंने बहुत खतरनाक वाला ऑफ रोड करा है एंड अपने इसी वीडियो में उन्होंने बताया कि आलियान राइडर को कितना टाइम लगने वाला है रिकवर होने में. ठीक है, उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ. बस यार ये जो कॉलर बोन होती है ना हमारी, ये क्रैक हुई थी, उसको यहाँ पे ना उसको प्लेट्स वगैरह डली है. तो एक महीने अप्रॉक्स एक महीने तक वो मतलब नॉर्मल हो जाएगा. ठीक नहीं कह सकते, ठीक होने में तो 1-1.5 साल लगेगा भाई उसको. तो एक महीने तक मतलब नॉर्मल हो जाएगा भाई. पर उसी के साथ भाई राइड वगैरह करेंगे तगड़ी वाली. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में. तो उनके आज वाले व्लॉग में उन्होंने बताया कि कैसे लोग खुश होते थे जब भी उनकी कोई फाइट वगैरह होती थी एंड अभी भी लोग मौका ढूंढते हैं उनको डिफेम करने के लिए. बुरा वक्त दिया मैं 2023 की स्टार्टिंग में भी भाई, लगी भी भाई, सिर भी फटा, टांके भी लगे, लोगों से ढेरी लड़ाई और लोग ना खुश होते थे यार ये देखो इसको यहाँ मार पड़ी, अपने मोहल्ले में मार पड़ी. भाई जब इंसान टैलेंट में बीट नहीं कर सकता तो फिर वो हाथ चलते हैं. अगर मैं जूडो में सबसे खतरनाक होता ना, या मैं बॉक्सर होता, या मैं बॉक्सर वगैरह होता, मेरे को फिर मार्शल आर्ट वगैरह आता था, तो मेरे को मेरी कला में बीट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज तो तुम हाथ ही उठा सकते हो. हाथ उठाने के बगैर क्या किया जाता है. सिद्धू की लाइन आपने सुनी होगी ना, जब तो टैलेंट से बीट नहीं होता तो फिर बदनामियां जो है वो शुरू हो जाती है भाई. नेक्स्ट अपडेट भी आमिर माजिद से रिलेटेड होने वाली है. तो आमिर माजिद आफ्टर 2 ईयर्स अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिले जो कि पहले उनके व्लॉग्स में आते थे. वो कौन थे आप क्लिप भी देख लीजिए. हे गाइस, यहाँ पे हम ज़ियारत पे आए थे, हमें देखो कौन मिला यहाँ पे अच्छी जगह पे. पॉजिटिव वाइब मिल गई भाई और आपको मेरे को मिला आज कम से कम 2 साल बाद. साहब मां की कसम ऐसा लग रहा था पिटबुल से मिल रहा हूँ. तो जिनको नहीं पता इन दोनों के बीच में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड या आफ्टर 2 ईयर्स इनको एक ही फ्रेम में देखने के बाद बहुत अच्छा लगा. बाकी आप इनका नाम कमेंट कर देना, राइट आंसर वाले को पिन कर दूंगा. नेक्स्ट हम बात करने वाले बिग डील के बारे में. तो यह इनकी साइड से एक वीडियो आउट हुआ जहाँ पे मेरे को इनका कंटेंट बहुत अमेजिंग लगा. बेसिकली इन्होंने अपनी ओडीटीटी में रैपिडो सर्विस प्रोवाइड करी है. मैंने भैया को बोला मैसेज में दिया कि मैं ओडी से आ रहा हूं जी. नहीं नहीं सही, भैया को मजाक लगा. पैसे कमाने वाले विकास भाई जी, दूसरा पिकअप आ भी गया. हां हो रहा है हिसाब किताब आज. बाकी सारे पैसे देखो 30% कंपनी लेगी, बाकी सारे मैं ले लूंगा गाइस. अरे 33 रुपए गाइस, इधर हमारा 500 रुपए का तेल लग गया. अभी चलते हैं इस भाई को पिक करने. नेक्स्ट हम बात करने वाले लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के बारे में. तो कल बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का ग्रैंड प्रीमियर था जहां पे पुनीत सुपरस्टार इसके पार्ट बने थे. सुबह से ही ये न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि इनको पहले दिन में एलिमिनेट कर दिया है. तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं एंड वन ऑफ द रीजन मैं आपको बताने वाला हूं. तो जब पुनीत सुपरस्टार की एंट्री वहां पे हुई थी तो एमसी स्टैन ने उनके कंटेंट को क्रिंज बोल दिया था. कंटेंट को नहीं क्या, पब्लिक क्रिंज बोलती है. एंड इसके बाद जो जजेस वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने पुनीत सुपरस्टार की रैंकिंग को 2 से सीधा 10 पे ला दिया. एंड इसके बाद जब वो बिग बॉस हाउस एंटर करे तो वो अपने वीडियोस वाले स्टाइल में शैम्पू को पूरा अपने सर पर फेंक रहे थे. इसके बाद में बिग बॉस ने उनको खुद वार्निंग दी एंड पुनीत सुपरस्टार ने कुछ सैवेज रिप्लाई दिया उनको. पुनीत, इसे आप मेरी आखिरी चेतावनी समझे, इसके बाद भी अगर आप ये सब दोहराते हैं तो आप सीधे सीधे इस घर से निष्कासित हो जाएंगे. एंड उनके एलिमिनेट होने के बाद में उनके फैंस बिग बॉस को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं एंड कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये बिग बॉस ने टीआरपी के लिए किया है. बाकी आपका इस पे बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट करके जरूर बताना. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में. तो एल्विश यादव की साइड से आज एक ब्लॉग आउट हुआ जिसपे वो आदि पुरुष मूवी पे रिएक्ट कर रहे हैं. आदि पुरुष देखी मैंने अभी, तुम्हारी कसम मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा. मैं कुछ मेरा तो क्या ही लेना देना है ना, मतलब बहुत कम बजट की मूवी होनी चाहिए अगर कायदे से देखा जाए तो. इन्हें पैसे मांग लगाइए और मैं कोई बोलूँ कि मैंने श्रीराम की बेइज्जती कर दिया, फिर श्रीराम के नहीं भाई, वो उनकी तो बेइज्जती कर ही नहीं सकता कोई, मतलब समझ रहे हो ना तुम. ये तो अलग चीज़ होगी, मूवी है ये, मूवी है. इन्होंने बल्कि बेइज्जती कर रखी है. क्या क्या चीज़ में, एक तो डायलॉग्स में, स्क्रीन प्ले में, स्टोरी में, कैरेक्टर्स में, हर चीज़ में, मतलब कि रावण बना रखा. और एक तो एक चीज़ है कि
लंका में सिर्फ अंधेरा भाई, सिर्फ अंधेरा, मतलब कुछ और भी नहीं है, अंधेरे में चल रही पूरी फिल्म। मैं समझा नहीं पा रहा तुम्हें कैसा है, मतलब कि अगर कोई पूछा भाई देखने देखी जानी चाहिए, नहीं भाई पैसा वेस्ट मत करो इसके ऊपर। नेक्स्ट हम बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो आफ्टर वन ईयर वो अपने क्रेजी फैन से दोबारा मिले जिन्होंने उनको कुछ ऐसे ट्रीट करा था। पप्पी ली थी मुझे, गाइस ये वही भैया हैं जिन्होंने हमको पप्पी ली थी। ओए ओए ओए, कल ही मिलोगे ना आप याद है पप्पी ली थी ऐसे बोल रहे, याद है पप्पी ली थी, अब तो नहीं लोगे? नहीं नहीं अभी, अब तो मॉल में है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्मॉल टाउन राइडर की साइड से। तो आपने ये सुना होगा कि कपिल शर्मा ने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है एंड इस पे स्मॉल टाउन राइडर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे रिएक्ट करते कुछ ऐसा बोले हैं। गाइस ये हमें क्या देखना पड़ रहा है, कपिल शर्मा जी भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, माय फर्स्ट व्लॉग, हमारे व्लॉग कौन देखेगा भाई। तो भाई ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।